राजधानी पटना में ट्रक ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ये मामला बाईपास थाना क्षेत्र का है, जहां NH 30 पर ट्रक ड्राइवर ने जब विरोध किया, अपराधी जो है वो लूटपाट की मकसद से ट्रक को लूटना चाह रहे थे, तभी ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने इसका विरोध किया तो जो अपराधी थे वो ट्रक चालक को रड से पीट कर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर बाईपास थाने की पुलिस पहुंच चुकी है और पहचान के रूप में ट्रक चालक का जो है पहचान हुआ है वो सिवान जिले के रहने वाले हैं। इसको लेकर अब पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है और पोस्टमार्टम के लिए शव को नालंदा मेडिकल भेज दिया गया है। उनके भाई जो हैं, ट्रक चालक के जो भाई है वो पहुंचे हैं, पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। वहीं बाईपास थाने के SI भी जो है वो पहुंचे हैं, इस मामले को जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आप सुने। क्या जानकारी मिली थी आप लोगों को, कैसे उनकी हत्या हुई है? जानकारी मिली 7 बजे के करीब में, 6:30 बजे कंपनी का मैनेजर फोन किया कि आपका भाई का मर्डर हो गया है फलां जगह। ये लिपस्टिक कंपनी का कंटेनर चलाते हैं, कई बार सूचना भी दिए हैं कि वहाँ बैटरी खुल जाती है, इसलिए हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए। तो कंपनी नहीं किया ये सब काम, बैटरी खोलने के क्रम में ही एक बैटरी खुल भी चुका है, गायब है, एक बैटरी गाड़ी से गायब भी है। इसी के क्रम में वो हाथापाई हुआ, अपना बैटरी संभालने के लिए गए, तो 4-5 के तादाद में उलटे रट से मार कर गिरा दिए। और क्या क्या चीज़ गायब हुआ? उनका लाइसेंस नहीं है, पैसा उनके पॉकेट में एक नया पैसा भी नहीं है, मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं था, गाड़ी हाथ में था वो भी नहीं है, सब लोग का इलाज मिला है। कौन सा कंपनी का सामान लेके आ रहे थे? EFC कंपनी कोई है। अच्छा, क्या चीज़ आता है उसमें? वो कंटेनर है, कटन आता है। अच्छा, कैटबेरी चॉकलेट, जो चॉकलेट जो बनता है वही आता है। अभी गाड़ी लगी हुई है, यहाँ मर्डर हुआ है। पुलिस क्या कह रही है उसको? पुलिस कह रही है कि किसी कारण छानबीन कर रहे हैं, CC कैमरा फुटेज हम लोग तलाश कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। आप कौन हो गए उनके? हम उनके भाई हुए। मृतक का नाम क्या है? अख्तर आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? बसंतपुर थाना सिवान जिला बाजितपुर ग्राम है। ये लाश जो है हमारे बाईपास थाना का लास्ट जो बॉर्डर है और दीदारगंज का, उसी के नज़दीक रोड से माने कि क्या कहते हैं 4 लाइन के नीचे ये लाश डेड बॉडी हम लोगों को मिला है। पहचान हो गई है। उनके फैमिली के लोग भी आ गए हैं और प्लस जहाँ का ट्रक है वो मालिक को भी हम लोग सूचना दिए हैं, जिसी उसी के आधार पर माने जो डेड बॉडी का आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस व्हाट्सएप पर भेजे हैं उसी पर हम लोग आगे का कार्रवाई। नाम है? हाँ, अख्तर है। कहाँ के रहने वाले? ये सिवान के रहने वाले हैं। मौत कैसी हुई? मौत का जांच अभी चल रही है। गोली लगी हुई है या क्या? गोली नहीं लगा है, लेकिन वह पूरा घायल है, डेड बॉडी पूरा खून से लथपथ है, यही है। ड्राइवर थे? हाँ, ड्राइवर थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास प्रूव्ड में आ गया है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ, SI। तो आपने सुना कि SI विनोद कुमार सिंह जो बाईपास थाने के SI हैं, उन्होंने विस्तार से जानकारियां देते हुए कहा कि CCTV के आधार पर जांच में पुलिस जुट गई है और FIR दर्ज कर लिया गया है। अपराधी जो है वो लूटपाट के मकसद से आए थे। जो अपराधी हैं वो उनकी पहचान की जा रही है CCTV के आधार पर और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अपने सहयोगी पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।